बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न पार्टी से भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इसकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय कांशीराम जी के देहांत होने का भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की नई सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस कांग्रेस पार्टी की नई सरकार ने इसे वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिससे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष लगातार प्रयासों से केंद्र में ही श्री बीके सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब केंद्र में अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों आदिवासियों ने अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों के खाते आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि वर्गों के अन्य मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे भी होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व्यवस्था आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार ने भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा रुकी गई है। सपा की सरकार ने तो ज्यादातर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं अराजक तत्वों व सरेआम लूट तत्वों करने एवं दलियों के साथ आगे कराने वालों का ही राजा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार ने हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। और आपका खास तौर से ये जो चित्रकूट मंडल का जो क्षेत्र है बांगा और चित्रकूट जो जिला है, तो यहाँ पर जो सपा सरकार ने हमेशा आतंक का वातावरण बना रहा है, और यहाँ आप लोगों को मालूम है मेरी सरकार बनने से पहले डकैतों का आतंक होता था, डकैतों का आतंक होता था, गांव से गांव खाली हो जाते थे, चुनौती होगी कि बजाय इनके आतंक की वजह से पढ़ाई करते थे, लेकिन जब बीएसपी सरकार में आई तो हमने यहाँ डकैतों का जो आतंक था उसका सफाया, और यहाँ पर अमन चैन का वातावरण प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए थे, खासकर दलितों व अपने पिछले वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हीं की सपा सरकार ने काफी हद तक खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो जननीति योजनाए के जिलों के नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। ये सुनने के साथ ही हम मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को इस चुनाव में क्या करना है, अब आप लोगों को हर पूरे बूथ को जिताना है और बीएसपी को सरकार में लाना है, हर पूरे बूथ को जिताना है बीएसपी को सरकार में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर और आपके इस अपार भीड़ को देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार
पूर्ण भगवत की जमीन बनाएंगे। आप लोग इस चुनाव में तो बीएसपी के नेतृत्व में आप लोग अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहनी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपका जो बुंदेलखंड जो पिछड़ा हुआ है और खास रूप से चित्रकूट मंडल, तो चाहे झांसी मंडल है चित्रकूट मंडल है, यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका जरूर समाधान किया जाएगा। वैसे तो हमें अपने पूर्व में चारों सरकारों में आपके बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए काफी काम किया है, आप लोगों को ये मालूम है। उसके बाद तो केवल पेपरबाजी चलती रही, मीडिया में प्रचार होता रहा, जमीन के नजर नहीं आ रहा है, ये भी आप लोगों को मालूम है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कह रहा है, आप लोग बीएसपी की सरकार बनाए, आपकी बाकी जो भी समस्याएं रह गई है बुंदेलखंड की, आपके चित्रकूट मंडल की, उन सबका समाधान किया जाएगा, ये भी मैं विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ ही हमने सुने अपनी पार्टी के चित्रकूट मंडल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की खूब जोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।